सत श्रीकाल सारिआं नूं, तुहाडा बहुत बहुत वेलकम है इस ऑनलाइन सैशन दे विच जो उड़ान इंस्टीट्यूट ते ड्रीम आईएएस इंस्टीट्यूट दोनों ने क्लब करके तुहाडे लई लैके आ रहे हैं। ये जिहड़ा सैशन है ये एक बेसिकली असीं एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जिन्ने भी अपकमिंग पीपीएससी एग्जाम्स आ रहे हैं, जिवें नैब तहसीलदार का पेपर है या फिर कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का एग्जाम आ रहा है या होर भी तीन चार एग्जाम्स है जिहड़े आ रहे हैं, इन सारे एग्जाम्स की जिहड़ी तैयारी है उसके लिए असीं एक नवा बैच जिहड़ा स्टार्ट कर रहे हैं। बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होएगा, ऑनलाइन ही पूरा बैच होएगा। थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन मैं दे दाँ, जिवें तुहानूं पता है कि पीपीएससी जिहड़ा है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हुण थोड़ा जिहा एक्टिव होया है एंड उन्होंने डिसाइड किया कि असीं कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर या नैब तहसीलदार के पेपर दोबारा कंडक्ट करांगे। एंड जिवें तुहानूं पता है नैब तहसीलदार दे विच 78 पोजिशनज़ है, कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर च 320 पोस्टां है एंड एग्जाम का पैटर्न मोर ऑर लैस सिमिलर है। दोनों ही पेपरां दे विच तुसीं देखोगे तो 80 क्वेश्चन जी एस दे है, 40 क्वेश्चन तुहाडे रीजनिंग दे हो जाते हैं। एंड जिहड़े 80 क्वेश्चन जी एस दे है उहदे विच इन्हां ने कहा कि असीं जनरल नॉलेज, करंट अफेयरस, नैशनल ते इंटरनेशनल इंपोर्टेंस तो क्वेश्चन पुछांगे एंड 40 क्वेश्चन जिहड़े रीजनिंग दे है वो लॉजिकल रीजनिंग ते मैंटल एबिलिटी तो जिहड़े क्वेश्चन पुछे जाणगे। तो अल्टीमेटली अगर आप देखिए तो एग्जाम दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एंड पैटर्न रिटन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ही होगा कि 120 क्वेश्चन ये होंगे एंड 120 क्वेश्चनों इन्होंने वंडे इस तरीके नाल है कि चार नंबर दिते हैं अगर तुसी क्वेश्चन करैक्ट कर दो एंड अगर क्वेश्चन इनकरैक्ट हो जाता है तो नैगेटिव मार्किंग भी होएगी। देखो पहला की होया सीगा, पहला नैगेटिव मार्किंग जिहड़ी सीगी वह नैब तहसीलदार के पेपर च नहीं सीगी लेकिन कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर के पेपर च नैगेटिव मार्किंग सीगी, लेकिन हुण इन्होंने डिसाइड किया कि असीं नैब तहसीलदार के पेपर के भी नैगेटिव मार्किंग रखांगे, जो पिछले आई थिंक 4-5 दिन पहला शायद तुसीं देखा होगा कि नोटिफिकेशन जिहड़ी रिलीज़ की गई सी। हुण अगर मैं तुहानूं थोड़ा जिहा इहना डिस्कशन करा तो इन्होंने तुसीं देखो कि जनवरी की फस्ट वीक दे विच पीपीएससी ने जो है अनाउंस किया सीगा कि असीं इह एग्जाम्स जिहड़े कि डेट्स नूं कंडक्ट करांगे। टेंटेटिव डेट्स उन्होंने पब्लिश कीतियां सीगियां कि इन्नी तरीक नूं जिहड़ा एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जिवें कि नैब तहसीलदार की जिहड़ी गल की जाती सी वह ऑलमोस्ट 20 मार्च के करीब इन्होंने टेंटेटिवली क्या सी असीं अनाउंस करांगे, लेकिन पिछले आई थिंक 5-6 दिन पहला नोटिफिकेशन आई है कि 20th मार्च नूं नैब तहसीलदार का पेपर यह ना कंडक्ट करनगे। नैब तहसीलदार दे विच देखो टोटल पोस्टां भी बहुत अच्छियां है, 78 पोजिशनज़ है, एक अच्छी पोस्ट है नैब तहसीलदार की, एक तुसीं देखो कि रेवन्यू ऑफिसर की पोजिशन है एंड बड़ा ही ना स्ट्रोंग पोजिशन है जिहड़ी इन्होंने कंडक्ट करवाउण की गल की है। इस तो अलावा फंक्शनल मैनेजर का पेपर भी जिहड़ा है 24 अप्रैल नूं अनाउंस किया गया, इहदे विच भी मोर ऑर लैस जिहड़ा सिलेबस है वह सिमिलर सिलेबस ही एग्जिस्ट करता है। हुण देखो मैं जिवें तुहानूं दस्सिया कि 80 क्वेश्चन जीके दे आ रहे हैं एंड 80 क्वेश्चन जीके या करंट अफेयरस की अगर आप गल करिए तो एक करंट अफेयरस बहुत ही वड्डा है ना, जिन्हों कह लो कि एक आपदे विच ही बहुत वड्डी स्पेस है करंट अफेयरस की या जनरल नॉलेज की, तो उहदे विच मोर ऑर लैस अपने कोल इह टॉपिक्स है जिहड़े आपां नूं करंट अफेयरस दे विचों आने चाहिए है। फॉर एग्जाम्पल आपां नूं पिछले 6 to 8 महीनों का जो है करंट अफेयरस पता होने चाहिए है एंड डेफिनेटली इंडिया का इतिहास हो गया, पंजाब की हिस्टरी होगी, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों भी आपां नूं आइडिया होना चाहिए इस SNT का, फिर अगर होर कुछ करंट इश्यूज़ और डिस्कस करने चाहिए है, इंडियन इकोनमी दे विचों एनवायरमेंटल इश्यूज़, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिसीज़ एंड वेरियस गवर्नमेंट एक्ट्स, पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हो गए एंड डेफिनेटली जनरल साइंस का जिहड़ा इशू है, ये सारे टॉपिक करंट अफेयरस दे विच बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रीजनिंग दे विच अगर आप देखिए तो जिवें कोडिंग, डी कोडिंग, अल्फाबैटिकल सीरीज, तो वो सारी चीज़ा रीजनिंग दे विच भी बड़िया इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हुण असी की किता है अगर तुसी ध्यान नाल देखो तो हुण असी एक बैच जिवें मैं तुहानूं दस्या असी प्रोमिस किया सी एक बैच स्टार्ट करांगे, ये बैच टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बैच होएगा जिहदे विच असी MCQ सीरीज़ जिहड़ी रन करांगे, हर रोज़ तुहानूं MCQs मिलणगे एंड ये MCQs दे बेसिस दे उपर असी तुहानूं एक्सप्लेनेशन देवांगे एंड उन्हां एक्सप्लेनेशनस नाल तुहाडा काफ़ी बेनीफिट होएगा जिहड़े आने वाले एग्जाम्स हैगे है। अगर मैं तुहानूं दसां तां मैं GK दे विच इंडियन इकोनॉमी ते पिछले 8-9 महीनों के जिहड़े करंट अफेयरस है उन्हां विचों जिहड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उन्हां बारे तुहानूं है ना एक्सप्लेन इहदे विच करूँगा। मैं PCS पंजाब सिविल सर्विसेज 2020-21 दे विच 36 रैंक होल्डर भी हैं एंड इस चीज़ का तुहानूं बहुत बेनीफिट होएगा बिकॉज अगर रैंक होल्डर को ले पढ़ोगे तो तुहानूं एक आइडिया होएगा कि एग्जाम की डिमांड की है एंड एग्जाम दे विच की कितना दे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आपने किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखनी है जो आप जनरल नॉलेज या करंट अफेयरस की जिहड़ी डिस्कशन करते हैं। हुण एक हुंदा कोर्स ये टोटली फ्री होएगा, ऑब्वियस जी गल है कि तुहाडे कोल यूट्यूब चैनल दे उपर एक कोर्स हर रोज़ रन होएगा एंड थोड़ा जिहा टाइमिंग्स दे बारे में अगर तुहानूं इनफॉर्म करा,
तो टाइमिंग ये रहनगियाँ कि अपने को चार स्लॉट्स होंगे, चार डिफरेंट टाइम्स के उपर थोड़े डिफरेंट टीचर्स जोड़े हैं कंडक्ट करेंगे, जिमें मॉर्निंग से एक 9 to 10 का स्लॉट होएगा जिदे विच सिमर मैम थोड़े कुछ सब्जेक्ट्स जो जनरल नॉलेज के कुछ सब्जेक्ट्स वो लैनगे, जिमें पॉलिटी हो गया या फिर हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हो गए या पंजाब की जीके हो गई, वो बारे जोड़े सिमर मैम थोड़ा कंडक्ट करेंगे। 12 तो एक इंदर सर जोड़े है वो थोड़े रीजनिंग के टॉपिक लैनगे, एंड जिमें मैं थोड़ा कहा कि 1 to 2 है ना ये जरा टाइम स्लॉट होएगा 1 to 2 ये मैं करंट अफेयर्स से इंडियन इकोनमी के टॉपिक लूँगा, एंड रात को 8 to 9 है ना अर्ली नाइट अगर तुम देखो अर्ली लेट ईवनिंग 8 to 9 तो सी सैट का जो पार्ट है जिमें कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो वाला जो हिस्सा है वो दविंदर सर रात को थोड़े लैनगे। सो द आइडिया इज़ कि तुम्हें एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स देना ताकि जो 20th March में हमारा नैब तहसीलदार का पेपर है वो प्रैपरेशन इन्नी अच्छी हो जाए कि कोई कसर ना छोड़ो पेपर को क्लीयर करन ते, एंड सारे जिन्हें भी मैंटर्स है थोड़े वैल क्वालिफाइड है, जिमें मैं दस्या मैं खुद PCS रैंक होल्डर है, एंड मेरे नाल जिहड़े बाकी इंदर सर या सिमर मैम या दविंदर सर है ये भी बहुत जो है अपनी फील्ड के बहुत माहिर है, बड़े गुरुज़ है, तो ये भी थोड़ी हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ कोर्स नू ज्वाइन करो, चैनल नू शेयर करो, सबसक्राइब करो ताकि वध तो वध पंजाब दे स्टूडेंट्स नू जो है हेल्प हो सके। थैंक यू।